घरेलू तेल कंपनियों पर लगाए गए विंडफॉल टैक्स की समीक्षा जल्द हो सकती है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कच्चे तेल की कीमतों में लगातार हो रही गिरावट के चलते ये फैसला जल्द ही किया जा सकता है। रिपोर्ट में इस बात का भी दावा किया गया है कि विंडफॉल टैक्स से डीजल, पेट्रोल तथा ATF के रिफाइनिंग मार्जिन में भारी गिरावट आई है। इससे रिफाइनिंग कंपनियों के सुपर प्रॉफिट में कमी आई है। वहीं बता दें कि सरकार ने 1 जुलाई को पेट्रोल और ATF पर ₹6 प्रति लीटर या $12 प्रति बैरल, डीजल पर ₹13 या $26 प्रति बैरल निर्यात शुल्क लगाया था। घरेलू कच्चे तेल के उत्पादन पर ₹23,250 प्रति टन या $40 प्रति बैरल का विंडफॉल टैक्स लगाया दिया था। वहीं बता दें कि कर लागत समय वित्त मंत्रालय ने कहा था कि हर 15 दिन पर इस टैक्स की समीक्षा की जाएगी। वहीं बता दें कि इस बीच आशंका जताई जा रही है कि यदि विंडफॉल टैक्स समय लंबे समय तक बना रहता है तो ये भारत के निर्यात और विनिर्माण अनुकूल व्यवस्था में बाधा उत्पन्न कर सकता है। ऐसे में कोई भी छूट ONGC ऑयल इंडिया और रिफाइनिंग इंडस्ट्री लिमिटेड के लिए बड़ी राहत साबित होगी। घरेलू कच्चे तेल के उत्पादन पर विंडफॉल टैक्स से सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी तेल और प्राकृतिक गैस निगम को बहुत नुकसान हो रहा है। वहीं बता दें कि CLSA ने अपने बयान में कहा कि पिछले कुछ दिनों में कच्चे तेल के कीमतों में काफ़ी गिरावट देखी गई है। इसका असर पारिकृत उत्पादों पर भी देखने को मिल रहा है। वहीं डीजल के लिए रिफाइनिंग स्प्रेड जून के $55 से $60 प्रति बैरल से आधा होकर लगभग $30 बैरल देखा गया है। इसी तरह ATF स्प्रेड $50 से $55 प्रति बैरल से गिरकर $25-30 पर आ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।